हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैंडिंग बाइक। तो आज का इस वीडियो में कश्मीर का साउंड ऑफ कश्मीर वॉल्यूम 4 सैंपल पैक जो आया है, एक दो वीक हो गया सर। उस सैंपल पैक हम लोगों ने बहुत सारे डीजे से लोगों ने मिलकर खरीदा है, एंड वो सैंपल पैक से कुछ एक बीट या कुछ एक पॉप सॉन्ग का टाइप का कुछ बीट या हिप हॉप ट्रैक या कुछ बनाने वाले, जो इंस्पिरेशन पैक से आएगा उससे ही मतलब एक ट्रैक बनाएंगे, लाइक ओरिजिनल ऑर्गेनिक कुछ साउंड बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक सिंथवेव भी हो सकता है, रेट्रो पॉप इस टाइप का कुछ साउंड हो सकता है, बहुत ट्रेंडी भी है। एंड इसमें लाइक तो देखते हैं कि क्या सैंपल्स मिलता है। पहले मेलोडिक सेक्शन बनाएंगे एंड देन बीट सेक्शन बनाएंगे। पहले इंस्ट्रूमेंट के अंदर से देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट और ये सॉन्ग्स स्टार्टर सिंथ ये सब के अंदर ही मतलब मेलोडिक सिंथ पार्ट है उसके अंदर ही, तो देखते कि क्या क्या मिलता है, मतलब जो जो पसंद में आएगा वो हम लोग डालते जाएंगे एंड बाद में जाके कुछ एक फाइनल वो निकालेंगे, फाइनल कुछ आउटपुट निकालेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं इस प्रोजेक्ट में जितना भी सैंपल्स और जितना भी इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करूँगा सब कश्मीर का वॉल्यूम 4 पैक से ही होगा। तो थर्ड पार्टी कोई VST या वगैरह कुछ नहीं यूज़ करूँगा, तो इसके वजह से स्टार्टिंग का जो आइडिया था वो आइडिया मतलब उतना वर्क नहीं किया। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मेरे पास मतलब आइडियाज नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे जो स्टार्टिंग का पहला जो आइडिया था वो काइंड ऑफ वर्क नहीं कर रहा था इस टाइप का जॉनर में। तो काइंड ऑफ मैं पूरा जो स्टार्टिंग का आइडिया था वो पूरा हटा के एक नया आइडिया मतलब नया एक कॉन्सेप्ट बनाया। तो ये नया जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है ये पैड से। तो ये जो पैड का जो सैंपल है, तो इस सैंपल को मैंने पियानो में बनाया। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बाकी एलिमेंट बनाया, जैसे कि ये आर्प हो गया। तो आर्प ये कश्मीर सिंथ शॉट, ये इसको सबको ट्यून करना पड़ता है। एक्चुअली ये ए में है, उसको मैंने ट्यून किया है सी में, तब सी में ट्यून करके उसके बाद नॉर्मल जैसे आर्प बनाया। तो ये आर्प का कुछ मिडी है। तो एसरेप का आर्प है एंड इसको मैंने दो बार में ही सिर्फ यूज किया और उसको लूप कर दिया। ये था गिटार एंड यहाँ पे एक सिंथ को मैंने सैंपलर जो उस पर मैंने बनाया, और सिंथ शॉट जो एक शॉट था सिंथ का वो मैंने लेके उस पैड बनाया, उसको ट्यून किया पहले ऑब्वियसली, देन मैंने वही सेम कॉर्ड एंड दो चार एक्स्ट्रा नोट मैंने प्ले किया, तो कुछ ऐसा साउंड हो रहा है इसमें। बहुत ही सिंपल एकदम है। बाकी मेन जो बेस लाइन है वो सेम कॉर्ड्स को फॉलो कर रहा है और परफेक्ट फिफ्थ और थर्ड कभी कभी एक दो नोट प्ले हो रहा है। तो बेस लाइन पे यहाँ पे मैंने फिर से एक शॉर्ट बेस शॉर्ट का साउंड लिया एंड उसको वो डी पे था एंड उसको मैंने सी पे ट्यून किया। जो कॉर्ड्स का जो रूट नोट है वही प्ले हो रहा है एंड थर्ड फिफ्थ कुछ कुछ जगह में प्ले हो रहा है, जैसे कि ये बी प्ले हो रहा था, फिफ्थ पर भी फिफ्थ प्ले हो रहा है। यहाँ पे बेस लाइन एक बार सुनते कैसा साउंड कर रहा है। जैसे देख पा रहे कि बहुत ही मतलब हेवी साउंड कर रहा है, तो काइंड ऑफ सिंथ वेव और वही रेट्रो वेव वैसा सा एक पर साउंड होने वाला है। अभी ड्रम्स का पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत अरेंजिंग करके थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ मिक्सिंग का बेसिक EQ प्रोसेस करते हैं।
अभी ड्रम पोर्शन में दिखाने वाला हूँ एंड उसके बाद प्रीव्यू करेंगे एंड जितना भी इसमें इफेक्ट्स एंड ड्रम पोर्शन यूज है सब इसका पैक से यूज हुआ है, कश्मीर का पैक से यूज हुआ है। एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करो, तो उसका डिटेल मैं कुछ वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वो इजी होगा, मैं ऐसे डिस्कॉर्ड में बात कर सकते हैं मतलब अगर कोई इशू होगा जाना जाता। और अगर इस पर कुछ तुम लोगों का गाना आइडिया है वो है तो इंस्टा पर मेरे को DM कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि ड्रम पोर्शन क्या है, पहले किक स्टार्ट करते हैं। किक से किक का दो लेयर है एंड ये एक मेन किक है और एक एक्यूस्टिक किक का सिर्फ टॉप पार्ट लिया है, दो साउंड मिला कैसा साउंड कर रहा है कुछ। और जो एक्यूस्टिक किक यहाँ पे है उसका थोड़ा वेलोसिटी को लेके चेंजेस किया है, पहला वेलोसिटी फुल में, सेकंड का थोड़ा सा कम, थोड़ा वो ग्रूव देने के लिए, लाइव देने के लिए। देन क्लैप स्नैर का एक वो बनाया, तो यहाँ पे एक स्नैर है तो यहाँ पे तीन एक स्नैर है सिर्फ, ऐसा एक स्नैर है एंड देन एक बीक हैंड क्लैप टाइप, हैंड क्लैप एक साउंड है और एक हैंड क्लैप है तो थोड़ा स्मॉल है और थोड़ा सा मोनोइश है। एंड इसको मैंने गेटेड रिवर्ब यूज़ किया है, वो तुम लोग ये वाला प्रोसेस सेंड में कर सकते हो, मैं यहाँ पे ही कर लिया गेटेड रिवर्ब, एबिल्टन में हो जाता है। सिर्फ रिवर्ब रिवर्ब ऐड करो, थोड़ा प्री डिले ज़्यादा एंड डिके टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, दो सेकंड का कुछ डिके टाइम एंड एक गेट गेट लगाओ सिर्फ, एंड गेट लगाने के बाद थ्रेशोल्ड को लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, जहाँ पे अच्छा लगे, जहाँ पे जो मतलब स्वीट स्पॉट आया उस जगह में रोक लो। देन मैंने थोड़ा बहुत इक्यू किया है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोसेस का टाइम नहीं मिला क्योंकि रिकॉर्ड भी करना है वीडियो। अभी इसके बाद हाई हैट वाला जो पार्ट है उस पर देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक नॉर्मल क्रैश है, देन एक एक्यूस्टिक क्लोज हैट है, देन एक एक्यूस्टिक ओपन हैट है, देन एक एक्यूस्टिक स्नैर या रिम बोल सकते हो, ये रिम है एक्चुअली, सिर्फ बहुत ही कम जगह में यूज हुआ एंड इसका पैटर्न कुछ ऐसा है, नॉर्मल नॉर्मल ऑन बीट ऑफ बीट ये हाई हैट चल रहा है एंड बीच बीच में ओपन हैट आ रहा है एंड एक जो रिम है थोड़ा बहुत चल, मतलब कभी कभी ऑफ बीट पे चल रहा है एंड क्रैश स्टार्टिंग पे चल रहा है। ये हो गया ऑलमोस्ट उन्होंने ड्रम पोर्शन एंड एक छोटा सा स्वीप ऐड किया है यहाँ पे, छोटा सा स्वीप ऐड किया तो ऑलमोस्ट डन है। प्रोसेस बहुत सारा बाकी, थोड़ा बहुत गेन स्टेज मैंने किया, मतलब सुनने में अच्छा लगे एंड वर्ड से इतना और कोरस से इतना इंट्रो है यहाँ पे, तो पहला वर्ड इंट्रो कोरस ये बना चुका हूँ मैं, तो अभी सुनते कैसा लग रहा है। एंड भाई ये बनाने में थोड़ा टाइम, मतलब टाइम तो लगा है, सुबह से लेके मतलब शाम हो गया, तो लाइक करो वीडियो को, चाहे वीडियो को लाइक करो, चाहे को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। और अगर रैप करना है इसके ऊपर इंस्टा पे मेरे को DM कर सकते हो, और रैप या गाना गाना है तो इंस्टा पे DM कर सकते हो, कोई इशू नहीं। एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, और एक वीडियो आने वाला, प्रीव्यू को सुनो कमेंट करो कैसा लगे बताना।